गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। वंस अगेन आज इंडियन ज्योग्राफी के अगले आपके जो टॉप 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि मैं सभी एंट्रेंस एग्जाम के जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ऐड कर रहा हूँ और कुछ अपने यूनिक क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहा हूँ विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज जो बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बच्चों कि द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और विंध्यास दिया गया है, परंतु अगर मैं बात करता हूँ हिमालयास की तो ये सबसे न्यूली है, यानी सबसे नए माउंटेन की जब भी बात आएगी तो हिमालय आएंगे, और सबसे ओल्डेस्ट की बात आएगी तो आपका अरावली, यानी ई ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। दुनिया के सबसे नवीनतम अगर माउंटेन की बात करें तो हिमालय, और ओल्ड इंडिया की बात करें तो अरावली आएगी। तो आप जरा समझ लेते हैं लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अरावली की लोकेशन की वजह से ही थार डेजर्ट की जो इमरजेंस है वो पॉसिबल हो पाई। क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल, जो ह्यूमिडिटी बेरिंग विंड्स होती हैं वो अरावली के लॉन्गिट्यूडनल फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस यानी अवरोध ना होने की वजह से राजस्थान में रेनफॉल नहीं हो पाती है। चलिए अब बात करते हैं एक विंध्यास रेंज की, जो कि उत्तरी दिशा में है, सतपुड़ा जो कि दक्षिणी में है, और दोनों के मध्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर जिसका नाम नर्मदा रिवर है वो आपकी फ्लो करती है। ठीक है, वही वेस्टर्न घाट की बात करें तो पश्चिमी तट की तरफ है और ईस्टर्न घाट जो है वो आपका पूर्वी तट की तरफ है, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम नील गिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिलाने वाली जो पर्वत श्रेणी है या हिल है वो आपकी नीलगिरी हिल्स मानी जाती है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, तो अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 10 डिग्री चैनल। क्या रहेगा? 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल, और ये आपका क्या हो जाएगा, अंडमान, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, निकोबार। पर कभी कभी इस क्वेश्चन को और ज्यादा स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किन दो आइलैंड्स को अलग करता है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिटिल निकोबार अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट करने वाली लाइन को भी हम 10 डिग्री चैनल ही कहते हैं। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवाई, कोयना एंड कोरबा, तो ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है भारत में, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं बच्चे ये आपका थर्मल पावर प्लांट यानी थर्मल पावर स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो आप जरा समझते हैं। तो आपके सामने मैं मैप दिखा रहा हूँ, आप इनमें अपने देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको थर्मल पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे, जैसे यमुनानगर, पानीपत, बदरपुर, फरीदाबाद, दादरी, ठीक है, हरदुआगंज, दिबियापुर, रैसा, पांकी, तो ये बहुत सारे हैं। पर ये जो तीन आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, टेरेस फार्मिंग इज डन, तो बच्चों टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि ये इस प्रकार की जो खेती है वो ऑन द टॉप ऑफ स्लोप हिल्स पे यानी पहाड़ियों के ढलान पर करी जाती है। ठीक है, तो आप मैं पिक्चर दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं। स्टेयर्स इसलिए बनी हुई हैं ताकि इरोजन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और बेसिकली कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन के लिए आपका टेरेस फार्मिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, तो बच्चों शुष्क खेती जो भारत में है वो बड़े पैमाने पर कौन से क्षेत्र में करी जाती है। तो ये जो शुष्क खेती है बच्चों वो आपका डेक्कन प्लेटो यानी दक्कन के पठार में काफ़ी ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का साधन वेल्स, ठीक है, या तो आपका यहाँ पर वेल्स सबसे बड़ा रिसोर्स है
यहाँ पर इरिगेशन का ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्राई फार्मिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है रिस्टोरिंग लैंड प्रेसिपिटेशन, यानी हमें बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाना है, यानी सारे बारिश के पानी को हमें बचाना है ताकि हम क्या कर सकें, उसका यूज़ ड्राई फार्मिंग में कर सकें। उसके बाद है रिटेनिंग मॉइस्चर ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि पानी उसके अंदर काफ़ी देरी तक क्या कहते हैं, देरी तक उसके अंदर मौजूद हो, जिससे पेड़ पौधों को आपको पानी मिलता रहे। फिर आता है यूजिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, यानी आपको ड्राई एरिया के अंदर ऐसी क्रॉप लगानी है जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी वो सूखे को झेल सके, ऐसी क्रॉप होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दक्षिणतम बिंदु में अगर इंदिरा पॉइंट दिया गया है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट 2004 में जो बच्चों सुनामी आया था उसमें डूब गया था। पर अब आपका जो हो जाएगा कन्याकुमारी, अगर अब क्वेश्चन में आता है तो आपका कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जरा लोकेशन देखते हैं इंदिरा पॉइंट की। तो ये रही इंदिरा पॉइंट की लोकेशन, जो कि निकोबार आइलैंड में है, 6° 45' नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में आपको ये देखने को मिलता है। वहीं बात करें कन्याकुमारी सबसे सदर्न पॉइंट है मेनलैंड का, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अगर नॉर्थ की बात करी जाए तो वहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन मिसिंग है बट समझते हैं। वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। वन अनुसंधान मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का जो है वो कहाँ पर आपका मौजूद है, तो वो आपका बच्चों देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देहरादून की लोकेशन देख सकते हैं, देहरादून उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून है, ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 50-60 किलोमीटर ऊपर आपका ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड, तो ये बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर, यानी कौन से ओशन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाती है, जो कि आपका ए ऑप्शन यानी पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली, तो ये रही आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो कि आपका पैसिफिक ओशन के अंदर पाया जाता है। जो इसकी लेंथ है बेटा वो 920 किलोमीटर के आसपास है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटर हिमालयास इज अदरवाइज कॉल्ड, तो बच्चों ग्रेटर हिमालयास को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री का मतलब क्या है कि जहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है, क्यों, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय की, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस पिक्चर को देख के समझते हैं, तो आपका ग्रेटर हिमालय जो है वो सबसे पहली रेंज फॉर्म हुई थी हिमालय की, जिसकी एवरेज हाइट है 4600 मीटर के आसपास, ये पीजीटी ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे लेसर हिमालय या फिर मिडल हिमालय की, तो जिसकी एवरेज हाइट आपकी 3600 से लेके 46 मीटर के आसपास है, यानी आप लगा लीजिए 4000 मीटर के आसपास। फिर हम बात करेंगे शिवालिक यानी आउटर हिमालय की, जिसकी एवरेज हाइट लगभग 1500 मीटर के आसपास है। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। अगला क्वेश्चन जीआईएस से दिया गया है। वेक्टर एंड रैस्टर डेटा आर यूज्ड फॉर, तो बेटा वेक्टर और रैस्टर डेटा जो है वो किस सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो बेटा वो यूज़ किए जाते हैं जीआईएस में, ठीक, जिसको हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि डेटा जो है बच्चों, डेटा हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, पिक्सल की फॉर्म में मिलते हैं, यानी हमें नंबर्स की फॉर्म में मिलते हैं, और इन पिक्सल्स को हम क्या कहते हैं, रैस्टर कहते हैं, ठीक है। इसी रैस्टर डेटा को हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइन में, फिर पॉलीगन में कन्वर्ट करते हैं, तब इसको हम वेक्टर डेटा के नाम से जानते हैं। यानी रास्टर डेटा जो होगा वो आपका हमेशा पिक्सल की फॉर्म में होगा, जो 8x8 के पिक्सल्स होंगे, और वेक्टर की बात करते हैं तो ये हमेशा आपका पॉलीगन या फिर आपका लाइन में
पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो बेटा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है भारत का वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट की बात आएगी तो नागार्जुन इसके अंदर सबसे पहला नाम आएगा, जिसको हम दूसरे नाम श्रीचलन के नाम से भी जानते हैं। तो जरा इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि टाइगर के ऊपर इस बार पीजीटी जो झारखंड का पीजीटी हुआ था वहां पर भी पूछा गया था, और इस बार भी ये हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो 2022 में जो टाइगर्स की संख्या है वो 3682 के आसपास हो चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा टाइगर आपके कहाँ, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं 785, उसके बाद दूसरा नंबर जो है 563 कर्नाटका, और तीसरा नंबर आपका 560 उत्तराखंड का आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे हाईएस्ट जो है स्टेट, सबसे कम टाइगर कहाँ है, जीरो, जहाँ पर नागालैंड और मिजोरम में 00 नंबर टाइगर हैं। ठीक है, वहीं झारखंड में 3 हैं और गोवा में 3 हैं और अरुणाचल में 29 है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। तो अगर मैं टाइगर के पॉपुलेशन की बात करूँ जो रिजर्व किया गया है स्पेशली टाइगर के लिए एरिया, तो आपका नंबर वन पे जिम कॉर्बेट आता है, जहाँ पर 260 टाइगर्स के लिए एक लार्जेस्ट एरिया रिजर्व किया गया है। उसके बाद आपका बांदीपुर में 150, जो कि आपका कहाँ पर है, आपका कर्नाटका में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेटा ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ें। अगला क्वेश्चन है डर्बन सिटी। तो डर्बन सिटी बेटा कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये आपका पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, डर्बन कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका में आपका देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डर्बन। ठीक है, तो डर्बन एक क्या है, ये एक पोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की वो 3 है, जिसमें प्रिटोरिया, ब्लैमफोंटीन एंड कैपटाउन, 3 कैपिटल है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपटाउन जो है क्या वो एक कोस्टल एरिया है और डर्बन, तो बेटा डर्बन और कैपटाउन जो है वो कोस्टल एरिया यानी समुद्र की सीमा से टच होने वाली कंट्री, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक बार क्वेश्चन आया था बोस्वाना जो है वो बेटा वो बोस्वाना जो है वो किसी भी ओशन को टच नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इन इंडिया आर ग्रेप्स ग्रोन ऑन कमर्शियल। तो बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रेप्स जो हैं वो कमर्शियल स्केल पे कौन से राज्य के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वती वैली। ठीक है, पार्वती वैली याद रखिएगा, पार्वती वैली में सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को ग्रेप्स मिल जाएंगे। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रेप का प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है। तो आपका महाराष्ट्र नंबर वन पे है, सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है, ये चीज़ आप टॉप 3 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने वीडियो में ऐड किया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है? तो बेटा एमपी से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम, यानी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वंस अगेन हम एक बार डिस्कस करते हैं कौन कौन सी स्टेट, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मैन मिजोरम, यानी टोटल 8 स्टेट से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है। वहीं सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो राजस्थान के साथ है और सबसे हाईएस्ट जो है डिस्टेंस वो आपका एमपी के साथ है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये टीजीटी का रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉर्डर से, द दुरंद लाइन डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन। तो बेटा जो दुरंद रेखा है वो कौन से दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये बच्चों, भारत और अफगानिस्तान, यानी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। और हाईएस्ट की बात करी जाएगी तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाई जाती है, और जिसका नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो लाइन बनती है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से ही जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ हल्का सा भारत के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान शेयर करता है। अगला क्वेश्चन कुलू वैली,
कुल्लू वैली इन इंडिया फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, तो बेटा कुल्लू वैली जो है या कुल्लू वैली जो है वो भारत में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, एप्पल्स है नहीं, सेब के लिए फेमस है। आपने सुना ही होगा हिमाचल के सेब, तो सेब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए हम बात करते हैं टॉप 6 ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ एप्पल, यानी सबसे ज़्यादा सेब आपका देखने को मिलता है। 77.71% जम्मू कश्मीर, उसके बाद 19.19% हिमाचल प्रदेश, एंड थर्ड रैंकिंग आपकी उत्तराखंड की आती है 2.52%। ये क्वेश्चन जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यानी BHU के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, कि उन्होंने बोला था कि एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं। बेसिकली मोस्टली लोगों ने आपका हिमाचल प्रदेश लगाया, बट याद रखिएगा बच्चों जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है डायमंड माइंस आर लोकेटेड, तो भारत के अंदर डायमंड माइंस जो है वो बहुत ही स्टेट में लोकेटेड है, बट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो नाम याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में पन्ना एक जगह है जहाँ पे डायमंड का एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना। वहीं तेलंगाना की बात करें मालीभूब नगर और कुरनूल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और गुंटूर एंड कृष्णा, ये चीज़ याद रखिएगा। 3 राज्यों में ही हमें आपको डायमंड देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अनंतपुर और पन्ना के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा है, बट ये मालीभूब नगर और कृष्णा गुंटूर और क्यूडापा, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला है क्वेश्चन, बड़ा इजी है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो बेटा पॉपुलेशन की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बेटा डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन की स्टडी हमेशा क्या कहलाएगी? डेमोग्राफी कहलाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज टोटल इम्पोर्ट, तो बेटा इंडिया का टोटल इम्पोर्ट का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है इन कंट्रीज में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे डी हो जाएगा, चाइना, ठीक है। जी हाँ, लोगों को लगेगा यूएसए, सॉरी यूएसए, बट एक्चुअल में चाइना है। तो हम डेटा देखेंगे, आप देख सकते हैं 94,570 मिलियन डॉलर का हम इनसे इम्पोर्ट करते हैं 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड नंबर आपका यूएई का आता है और थर्ड नंबर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है। तो ये डेटा भी याद करिएगा, बहुत यूनिक है क्योंकि ये HTET का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाए थे, इन्होंने पूछा था, तो आई थिंक इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपकी वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो शुरू से लेके एंड तक। हम बहुत यूनिक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड, तो बेटा जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ठीक है। मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था ना, उस प्रेशर को कम करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कांडला पोर्ट, जिसको हम दीनदयाल उपाध्याय नाम बदल दिया गया इसका, ये भी याद रखिएगा। मुंबई सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, मैंगलोर की बात करें तो आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई भी आर्टिफिशियल है, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, ये चारों ही आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखिएगा। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही यूनिक वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद गाइज, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Yeah.